मैं विपुल कुमार विवान वास्तु पाठशाला से आज आपको यह बताने वाला हूं कि आप लाखों डॉक्टरों के पास मेडिसिन ले रहे हो, आपको इलाज क्यों नहीं मिल रहा। आज मैं आपको यह बताऊंगा कि आपके कुंडली में कौन सा ग्रह है जो खराब है और आपको कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, तो किस ग्रह की मेडिसिन ले जिससे आप ठीक हो सकते हो। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, तो आप मेरे को कॉल कर पूछ सकते हो कि कौन सी मेडिसिन हमें खानी चाहिए और कौन सा ग्रह है जो हमें ग्रह प्रॉब्लम दे रहा है। तो आज मैं आपको बताने लगा हूँ मरकरी ग्रह। अगर किसी का मरकरी ग्रह खराब हो, बुध ग्रह जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, तो उसे होम्योपैथिक की मेडिसिन लेनी चाहिए। अगर किसी का गुरु ग्रह खराब है, जुपिटर ग्रह खराब है, उसे एलोपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए। अगर किसी का राहु खराब है, उसे आयुर्वेदिक मेडिसिन लेनी चाहिए। और अगर किसी का केतु ग्रह खराब है, उसे हमेशा योगा और मेडिटेशन करनी चाहिए। अगर किसी का वीनस ग्रह खराब है, शुक्र ग्रह खराब है, उसे हमें मसाज करनी चाहिए। और अगर किसी का सूर्य और मंगल ग्रह खराब है, वह ऑपरेशन कराने से ही ठीक होगा। अगर किसी का शनि ग्रह खराब है, उसे यूनानी मेथड से आराम मिलेगा। और अगर किसी का मून खराब है, उसे हमेशा सिरप और वैक्सीनेशन ही कराना पड़ेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप मेरे चैनल विवान वास्तु पाठशाला को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।